अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैकल्स के बारे में। फ्रैकल्स हमारी स्किन पर क्यों होते हैं, इसके अलावा हम फ्रैकल्स के लिए कौन सी एहतियात कर सकते हैं या डाइट में हम ऐसा क्या ले सकते हैं जिससे हमारे फ्रैकल्स रिमूव हो जाएंगे, और क्रीम में हम ऐसी कौन सी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर जिससे कि हमारे फ्रैकल्स रिमूव हो जाए और दोबारा ना आए। और इसके अलावा हम बात करेंगे कैनाडेक्स एन के बारे में, जो कि एक क्रीम है और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन में डिफरेंट पर्पस के लिए। तो क्या कैनाडेक्स एन भी फ्रैकल्स में कोई रोल अदा करती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। फ्रैकल्स हमारी स्किन पर क्यों होते हैं, पहले इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। फ्रैकल्स होने की एक वजह हमारी हेल्थ हो सकती है, इसके अलावा अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे उसकी वजह से भी हमें फ्रैकल्स हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम सूरज के सामने जाते हैं तो यूवी रेज जो होती है वो हमें अफेक्ट करती है, और अगर हम सनब्लॉक नहीं यूज़ करते तो उससे भी हमारी स्किन में फ्रैकल्स हो सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, क्लास्मा, ये फ्रैकल्स की ही टाइप्स है, ठीक है। फ्रैकल्स का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आप अपनी स्किन में गोरा होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा क्रीमी मिक्स करके यूज़ करते हैं, यानी कि आप उसमें मेटनोवेट, डर्मोवेट और हाइड्रोक्रीन, इसके अलावा बहुत सी क्रीमी मिक्स करके यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपकी स्किन में बहुत बैड इफेक्ट देती है, आपकी स्किन की एपिडर्मिस लेयर को रिमूव कर देती है पील करके। तो फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, जिससे आपको नॉर्मल वाली हीट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, यानी कि आप अगर सूरज के सामने जाते हैं या आप इवन के चूल्हे के सामने जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन बर्न होती है। बर्न होने के बाद आपकी स्किन में फ्रैकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हुई होती है तो उससे फ्रैकल्स आपकी स्किन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो एक वजह ये भी होती है। तो बात कर लेते हैं कैनाडेक्स एन के बारे में। कैनाडेक्स एन एक मरहम का काम करती है, यानी कि अगर आपकी स्किन में किसी तरह की सोजश वगैरह हो, आपकी स्किन रेड हो जाए या बर्न होने के बाद आपकी स्किन में रेडनेस आ जाए, इसके अलावा आपको किसी टाइप की एलर्जी हो जाए या फिर आपको कोई ज़ख्म वगैरह हो जाए, तो आप उस पर इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, उस एरिया पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कंडीशन भी कुछ इस तरह होगी कि आप दिन में सिर्फ इसको दो मरतबा यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप इसको 7 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी स्टेरॉइड होते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं है, आपकी स्किन को ये डार्क भी कर सकते हैं, इसके अलावा ये आपकी स्किन को पील भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको फेस पर यूज़ करते हैं फ्रैकल्स के लिए तो ये आपके फेस के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा होगा कि ये आपकी स्किन को पील करेगा, क्योंकि जब आप इसको 7 दिन से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपको बैड रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उससे आपकी स्किन पील होगी, आपकी स्किन में हेयर ग्रोथ होगी, इसके अलावा आपकी स्किन डार्क भी हो जाएगी, ठीक है। तो जब स्टार्ट आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी स्किन वाइट हो रही है और आपके फ्रैकल्स रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पीलिंग का काम करेगा, तो फिर आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ही दिनों में आपको बैड रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी स्किन बुरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, जो कि फिर आपकी रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि हम इसको फ्रैकल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सेपरेट भी नहीं यूज़ कर सकते, इसके अलावा कोई फार्मूला क्रीम्स में इसको मिक्स करके यूज़ करना चाह रहा है तो वो इसमें भी उसको मिक्स करके नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ये किसी भी तरह से आपकी फ्रैकल्स के लिए क्रीम नहीं है, ये सिर्फ एक मरहम का काम करेगी जस्ट आपके जख्म पर, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कौन सी डाइट ऐसी लें जिससे हमारी फ्रैकल्स, हमारे फेस पे जो फ्रैकल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। डाइट में आप फ्रेश जूसेस वगैरह ले सकते हैं, इसके अलावा आप फ्रूट खा सकते हैं, सैलड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और आप पानी ज़्यादा पिए, इसके अलावा आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज से भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपके अंदर से आपके फ्रैकल्स रिमूव होंगे, ठीक है। जब आप कोई क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं फ्रैकल्स को रिमूव करने के लिए तो आपके फ्रैकल्स लाइट होते हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते हैं, लेकिन जब आप डाइट से उनको फ्रैकल्स को ट्रीट करते हैं तो आपके फ्रैकल्स पैच की सूरत में आपके फेस से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके फ्रैकल्स फटना स्टार्ट हो जाते हैं डाइट की वजह से और आपके फ्रैकल्स रिमूव हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो आपने अच्छे से अच्छी डाइट लेनी है, आपने फल सब्जियां वगैरह खाने हैं, इसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ें आपने छोड़ दी है। अगर फ्रैकल्स को आप डाइट के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके फ्रैकल्स कभी भी दोबारा नहीं आएंगे, और अगर फ्रैकल्स को आप क्रीम के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके फ्रैकल्स बार बार आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का इशू है, आपके अंदर एक पिगमेंट बन चुका है, उसको आप डाइट के ही थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर लें वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी जितनी ज़्यादा आपकी डाइट इफेक्टिव होगी। फिर भी कोई फ्रैकल्स के लिए क्रीम पूछ रहा है तो उसका मैं बता दूं कि मेला क्लियर प्लस आप यूज़ कर सकते हैं फ्रैकल को ट्रीट करने के लिए।
बट जो आपके अंदर पिगमेंट बन गया है जब आप क्रीम को छोड़ेंगे तो हो सकता है वो वापस आ जाए, इसलिए आप अपनी डाइट को सेट करें, क्रीम के चक्कर में मत पड़े। आप अपनी डाइट को सेट करें, आपके फ्रैकल्स परमानेंट चले जाएंगे, कभी भी वापस नहीं आएंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछे, वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।